दोस्तों देख सकते हैं अभी पुलिस आई है, यहाँ पे जाम सब लोग लगा रहे थे। और यहीं पे चक्का जाम होना था, लेकिन अभी ये आए हैं पुलिस जो बड़े अधिकारी हैं, तो सबको देखिए पूरी जितनी भी पब्लिक यहाँ इकट्ठा हुई थी सबको भगा रही है। ये देखिए बेटा किस लिए खड़े हो तो बताओ, अगर कोई सामने खड़े जाओ पढ़ने क्यों मरा आप, जाके पढ़ गया। तो देखिए सबको हटा रही है, जितने भी यहाँ पे इकट्ठा लोग हुए थे सबको हटा रही है पुलिस। जितना होगा तो उसके साथ हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और यहाँ कानून से खिलवाड़ करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। परिजनों का कहना है कि 6 दिन हो गया फिर भी सही से कार्रवाई नहीं हो रहा है, हो रहा है लोग संतुष्ट नहीं हैं। आज मुझे इस घटना में और आज मैं परिवार से सर हम एक कहना चाहते हैं, देखिए निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। आकांक्षा दुबे के साथ हम मतलब काफी दिनों से रहे हैं, एक तो पहला डायरेक्शन भी कर चुके हैं और आप जरा ध्यान से देखिए कि फांसी लगाया गया है, फांसी लगाया गया है, सर नीला पड़ गया, बैठ के कोई फांसी नहीं लगाएगा, मैं पूरा मीडिया को दे चुका हूँ ये जवाब। और उसके बाद देखिए फांसी लगाया गया है, इसको फांसी बोलेंगे? आत्महत्या नहीं, हत्या किया गया है पूरा। और एक बात है, यहाँ पे पूरा वीडियो है, देखिए लाश तो किस हिसाब से प्लास्टिक में भर के उस बहन व्यक्ति की लाश उसमें जो है डाल के डाले में लेके गया है। और चोरी से एक लड़की उसमें अनुराधा करके आई थी, एक्ट्रेस है, मैं जानता हूँ उसको, उसने जल्दी जल्दी करके इनका मोबाइल फोन को मेरा फोन दिया लाश न जलाइए, लेकिन उसके बावजूद भी अनुराधा जल्दी जल्दी करके लाश जलवा दी। समर सिंह की खास मुखबिर हम लोग गए सारनाथ, गए सारनाथ में बोल रहे सीसीटीवी ऐसे नहीं दिखाया जाएगा, हम परिजन हैं, हमें नहीं दिखाया जाएगा तो क्या दिखाया जाएगा, सिर्फ पुलिस प्रशासन को। अब आप अपनी बात कर लिए, मैं फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की भारतीय जनता पार्टी हमें विश्वास है, मुझे विश्वास है उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। निश्चित रूप से जो सीसीटीवी कवरेज आए हुए हैं उसमें कार्रवाई हो रही है और जल्द ही इसमें जो भी लिप्त लोग हैं उनको गिरफ्त में लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई। यही पूरी हमें उम्मीद है, आप हमारा करिए, वो हमारे उनकी माँ है न्याय मिलेगा हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ से जो कि इनको हम शायद घर से एक बार दो बार निकले, हमारे घर के बाजू के ही है, हमारे घर के बाजू शायद इनको हम नहीं बता पाए, शायद हमारी कुछ मजबूरी थी जो कि न्याय पूरी तरह दिया जाएगा, योगी जी की सरकार है इसमें न्याय मिलेगा। हम लोग बहुत दुखी है और हमारे भदोही विधानसभा की बेटी, निश्चित रूप से ये जो प्रकरण सामने आया है
और जैसे ही ये प्रकरण सामने आया हम लोगों ने उसको संज्ञान में लिया। उत्तर प्रदेश से सचिव मुख्यमंत्री सदैव प्रमादनी योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रकरण को स्वयं संज्ञान लिया है और निश्चित रूप से मैं आश्वस्त भी करना चाहता हूँ आप लोगों को कि बहुत ही जल्द जिस तरह से लोग फोटोग्राफ दिखाने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पे घटनाएं घटित हुई है उस पर कार्रवाई होगी। होटल के अंदर में जो लाइव चल रहा था आकाशवाणी का, उस समय में कुछ और लोग थे, ये लोग कह रहे हैं। दूसरा चीज, सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखाई जा रही, कवर नहीं की जा रही, और भी कई सारे सवाल हैं। दिन के दिन उसका हर एक गाना हिट होते जा रहा था, बढ़ते जा रही थी। इसमें सबसे ज्यादा वही क्या बोलते हैं, अनुराधा का पूरा हाथ है। भदोही में जब भी कोई नाम करता है तो उसके साथ गलत हो जाता है। भदोही में जब भी कोई बढ़ता है तो उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है। भदोही का नाम ना होने पाए योगी आदित्यनाथ महाराज जी, एक लोगों का कार्रवाई होनी चाहिए। रविंद्र त्रिपाठी जिंदाबाद। नाराबाजी हो रही है। अभी आकांक्षा दुबे को न्याय दिलाने के लिए यहाँ के पूर्व विधायक महोदय पहुँचे हैं और परिवार के साथ खड़े होकर यहाँ पर सांत्वना प्रकट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता न्याय दिला पाएंगे या नहीं, लेकिन इस दुख की घड़ी में तो अभी धरना प्रदर्शन कैंसिल हो गया। यहाँ पे पुलिस आई थी और सबको सांत्वना दी और यहाँ से अब उनके जो माता पिता हैं वो जा चुके हैं और यहाँ पे प्रशासन पहुंच गई थी और यहीं पे रोक दिया गया था सबको। लगभग 2 घंटे यहाँ पे बातचीत हुआ और यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। तो अभी फिलहाल में मामला को शांत कराया गया है पुलिस द्वारा, क्योंकि जैसे ही उनके माता पिता यहाँ पे आए थे धरना प्रदर्शन के लिए, चक्का जाम करने के लिए, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया और बोला कि आप लोगों के साथ न्याय होगा। और अभी तुरंत अभी आए थे, आधा घंटा पहले हुई, पूर्व विधायक भदोही के रविंद्रनाथ त्रिपाठी, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सांत्वना दिए कि चलिए आपको जो भी होगा न्याय मिलेगा। तो अभी देखिए गाड़ी जा चुकी है और यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे सब लोग जा रहे हैं। तो आगे क्या होता है, जो भी कुछ होगा हम आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।